दोस्तों, आप सभी ने अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो ट्रेन में सफर किया ही होगा, पर आपने नॉर्मल ट्रैक पर सफर किया होगा। आज मैं आपको दुनिया के ऐसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में बताने वाला हूं, जिन पर आप भूल से भी सफर नहीं करना चाहेंगे। इनमें से कुछ रेलवे ट्रैक तो इतने खतरनाक हैं कि जिन पर कमजोर दिल वालों को सफर नहीं करने दिया जाता, और कुछ रेलवे ट्रैक ऐसे हैं जिन्हें बनाने में कई लोगों की जानें चली गईं। तो चलिए जानते हैं कि कौन है दुनिया के वह सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ऐसे ही इतिहास की और नई नई रहस्यमय जानकारियां आप तक पहुंचा सकें। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक के बारे में, मैकलोन मार्केट रेलवे ट्रैक, थाईलैंड। दोस्तों, वैसे तो ये रेलवे ट्रैक यात्रियों के लिए काफी सुरक्षित है, लेकिन बाहर के लोगों के लिए बहुत ही खतरा है। दोस्तों, थाईलैंड के मैकलोन रेलवे ट्रैक्स की पटरियां मार्केट के बीचों बीच से निकलती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि रेलवे ट्रैक की पटरियों के पास ही यहां सबसे बड़ी सब्जी की मंडी लगती है। यहां जगह की कमी होने के कारण काफी लोग पटरी पर ही अपनी दुकान लगा लेते हैं। ट्रेन की आवाज सुनते ही तब अपना सामान समेटने लगते हैं और ट्रेन के जाते ही फिर वापस वैसे ही अपना सामान लगा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रेन और इन लोगों के बीच में सिर्फ 1 फीट की दूरी होती है, जिस वजह से इन लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। ट्रेन द क्लोड अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में बना यह रेलवे ट्रैक दुनिया के सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैकों में से एक है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक का निर्माण 1948 में किया गया था और इसको बनाने में कुल 27 साल लगे थे। दोस्तों, इस रेलवे ट्रैक को ट्रेन द क्लोड भी कहा जाता है। आपको बता दूं कि इस ट्रैक की पटरियां जमीन से करीब 4020 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई हैं। इसीलिए इस ट्रेन में लोग सफर करने से डरते हैं। यह ट्रेन करीब 21 ब्रिज और 29 सुरंग से होकर गुजरती है। दोस्तों, यह ट्रेन एंडेस माउंटेन्स के बीच से होकर गुजरती है और यह ट्रैक उत्तर पश्चिम अर्जेंटीना को चिली देश से जोड़ता है। आपको बता दें कि इस रेलवे ट्रैक की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण यहां का रेलवे विभाग इस ट्रैक की रोजाना जांच करता रहता है। सो मिनामी रोड, जापान। यह रेलवे ट्रैक जापान का सबसे खतरनाक रोड माना जाता है। इसकी पटरी का कुछ भाग पतले लोहे के पुल से होकर गुजरता है, दोनों तरफ से खुला हुआ है। इसीलिए ट्रेन चालक को बड़ी ही सावधानी से चलना पड़ता है, क्योंकि ड्राइवर का एक छोटा सा गलत कदम कई लोगों की जान ले सकता है। और दोस्तों, यह खतरा यही खत्म नहीं होता। आगे जाकर इस ट्रेन को अशोक मीणा ज्वालामुखी के पास से होकर गुजरना पड़ता है। अशोक मीणा जापान का सबसे खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी है, जिससे हर वक्त यात्रियों पर ज्वालामुखी का खतरा बना रहता है। यहां सफर करते समय बड़ी आसानी से आप जलते ज्वालामुखी को देख सकते हैं। अगर इस ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो यात्रियों को कोई भी बचा नहीं सकता है। यहाँ से गुजरते समय घने जंगल और ऊंची पहाड़ियाँ नजर आएंगी, जो कि ऊपर से देखने में काफी डरावनी लगती हैं। रामेश्वरम रेलवे ट्रैक, चेन्नई। दोस्तों, अब तक तो आपने दुनिया के खतरनाक रेलवे ट्रैक देखे, अब दिखाते हैं आपको भारत का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। दोस्तों, दक्षिण भारत में मौजूद यह रेलवे ट्रैक तमिलनाडु के रामेश्वरम को पंबन द्वीप से जोड़ता है, इसीलिए इस ब्रिज को पंबन ब्रिज भी कहा जाता है। इस ब्रिज की लंबाई करीब 2 किलोमीटर है। इस पुल का निर्माण अगस्त 1911 में शुरू किया गया था और 24 फरवरी 1914 में ब्रिज बनकर तैयार हो गया। दोस्तों, इस ट्रेन में सफर कर रहे यात्री जब बाहर देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ समंदर ही समंदर दिखाई देता है, और जब इस समंदर में विशालकाय लहरें उठती हैं तो ट्रेन में बैठे यात्रियों की सांसें रुक जाती हैं। यहां अक्सर आने वाले तूफानों और तेज हवाओं के कारण ट्रेन का सफर रोमांचक और खतरनाक भी हो जाता है। यहां लोग जाने से भी कतराते हैं। डेथ रेलवे ट्रैक, थाईलैंड।
दोस्तों डच रेलवे ट्रैक थाईलैंड के बैंकॉक वर्मा के शहर को रंगून से जोड़ता है। इस रेलवे ट्रैक की कुल लंबाई 1415 किलोमीटर है। यह रेलवे ट्रैक इतना खतरनाक है कि 1947 में इस ट्रैक को बंद कर दिया गया था और इसका कारण जानकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। इस रेलवे ट्रैक को बनाने में करीब 90,000 से भी ज्यादा लोगों ने नदी में गिरने की वजह से अपनी जान गंवा दी थी, इसीलिए इस रेलवे ट्रैक को डेथ रेलवे ट्रैक कहा जाता है। दोस्तों इस दुर्घटना के बाद भी इस रेलवे ट्रैक को 10 साल बाद 1957 में फिर से खोल दिया गया था। यहां सर्राती हुई हवा और फड़फड़ करती हुई ट्रेन, आवाज और दिल दहला देने वाली ऊंचाई ट्रेन में बैठे हुए लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। इस रेलवे ट्रैक पर सफर करना कमजोर दिल वालों की बस की बात नहीं है। जकार्ता रेलवे रोड इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया में चलने वाली हाई स्पीड यह ट्रेन जकार्ता को इंडोनेशिया के शहर बंदून से जोड़ती है। जकार्ता से बंदून तक का सफर यह सिर्फ 3 घंटे का है। यह 3 घंटे का सफर आपको डराने के लिए काफी है। इस सफर के दौरान आपको कई खूबसूरत नजारे देखने को मिलेंगे, लेकिन वीडियो के टाइटल से आप यह तो समझ सकते हैं ट्रेन क्यों जोड़ी है। दोस्तों इस सफर का असली मजा तब शुरू होता है जब यह ट्रेन घने जंगलों और बनाए गए ब्रिज के ऊपर से गुजरती है। तब मंजर काफी भयानक हो जाता है, क्योंकि ट्रेन के नीचे देखते ही आपको जंगल के वह मंजर दिखाई देंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते।